Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. This is your English B class, and we were doing the unit number one of the from the grammar and composition workbook. अब इसमें हमारे पास unit name है. The unit name is countable and uncountable nouns. Countable means the things that you can count. ऐसी चीजें जिनको आप count कर सकते हो. And uncountable means जिनको आप count नहीं कर सकते. For example, you can count the cars, you can count the books, but you cannot count the breeze, you cannot count the oil, you cannot count the sand. So, उनको हम uncountable कहेंगे, ठीक है? ये हमने पूरा thoroughly पढ़ लिया हुआ है. अब हमारा जो next part है इस unit का, that is uncountable nouns. अच्छा, अब uncountable nouns को हम count तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तरीका तो होता है ना उनको मैयर करने का. मतलब अब सैंड है, वो किस तरह की है, हम किसी ना किसी तरह से तो उसको डिफाइन करते हैं ना. तो अनकाउंटेबल नाउंस को किसी भी तरह से जब डिफाइन जो हमने करना होगा वो हमारे पास टू वेज होते हैं, ठीक है? काउंटेबल नाउंस को, सॉरी अनकाउंटेबल नाउंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास टू वेज होते हैं. या तो हम उनको क्वांटिटी के थ्रू मेजर करते हैं, या फिर उनकी क्वालिटी के थ्रू उनको डिस्क्राइब करते हैं. लुक एट द सेंटेंस. समटाइम्स वी यूज अ वर्ड और वर्ड विद सम अनकाउंटेबल नाउंस टू गिव एन आइडिया ऑफ द क्वांटिटी. That is how much, ठीक है? कभी कभी हम कुछ countable nouns के साथ कुछ ऐसा word और words add करते हैं जिससे हमें उसकी quantity का idea हो जाए, ठीक है? हमें एक rough idea लेने के लिए, क्योंकि uncountable हैं तो obviously उनको आप exact amount तो नहीं उनकी बता सकते, exact quantity तो नहीं बता सकते. तो उनकी quantity का idea लेने के लिए उनकी quantity का idea लेने के लिए हम कुछ words use करते हैं उनकी उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए. जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, नो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है? लुक एट द एग्जांपल्स. नो इलेक्ट्रिसिटी मतलब नो को हमने डिफाइन, इलेक्ट्रिसिटी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक वर्ड यूज कर लिया उसके उसकी क्वांटिटी का आइडिया लेने के लिए. नो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. सम टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो है वो सम है, कुछ है, ठीक है? ऑल मनी, सारी मनी. टू मच कॉफी, अब कॉफी को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मच का वर्ड हमने यूज कर लिया कि टू मच कॉफी यानी कि बहुत ज्यादा कॉफी, तो हमने उसका एक रफ आइडिया हो गया. एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन रफ आइडिया हो गया, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, दीज वर्ड्स गिव ओनली अस एन आइडिया ऑफ द क्वांटिटी. ये वाले वर्ड्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमें बेटे इनका एक रफ आइडिया देते हैं. These words give us only an idea of quantity. ठीक है, इन वर्ड से हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ आइडिया मिलता है इनकी क्वांटिटी का. एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें नहीं पता चलती. जैसे कि वो वर्ड्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, लाइक लिटल, लिटल, सम, मच, बट, नॉट द एक्स्ट्रा, नंबर और काउंट. ठीक है, ये वाले वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, लिटल, सम, मच, बट, अलॉट, फ्यू, ये वाले वर्ड्स हम सारे यूज कर सकते हैं टू फॉर द फॉर द आइडिया ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है? और सेकंड हमारे पास डेफिनेशन है, विद सम अनकाउंटेबल नाउंस वी कैन यूज अ वर्ड और वर्ड्स टू गिव द आइडिया ऑफ क्वालिटी. सेकंड में हम उसकी क्वालिटी का आइडिया लेने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक बैड लक, फाउल वेदर, गुड टी. ठीक है, तो या तो हम उनकी क्वालिटी के थ्रू आइडिया लेते हैं नाउंस का, या फिर उनकी क्वांटिटी के थ्रू आइडिया लेते हैं. ओके, एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो टू फिल द ब्लैंक्स गिवन बिफोर द अंडरलाइन अनकाउंटेबल नाउंस. अब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउंस दिए हुए हैं, इनसे पहले हमने कुछ वर्ड्स यूज करने हैं,
उनकी क्वांटिटी या फिर क्वालिटी का आइडिया करने के लिए, ठीक है? नाउन से पहले हमने कुछ वर्ड्स यूज करने हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का आइडिया लेने के लिए. और हमारे पास वर्ड बैंक में वर्ड्स हैं ऑल, एनी, लिटल, लॉट, नॉट लॉट, अलॉट होता है, ए इसके आगे होगा, ठीक है? ऑल, एनी, लिटल, अलॉट, मच, नो एंड सम, वी हैव दीज वर्ड्स. और हमने इन वर्ड्स को यूज करते हुए अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब करना है थ्रू देयर क्वांटिटी और थ्रू देयर क्वालिटी. सो द फर्स्ट वन इज, डू यू ड्रिंक डैश मिल्क टूडे? अब मिल्क तो काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मिल्क का आइडिया कर सकते हो कि इन सारे वर्ड्स में से आप उसको क्वालिटी या क्वांटिटी के थ्रू मिल्क को कैसे डिफाइन कर सकते हो. अच्छा, एक सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये भी होती है कि अगर आपको कोई आंसर नहीं क्लिक कर रहा, बिल्कुल आपको याद नहीं आ रहा, तो आप ना उसको सारे वर्ड्स को उस ब्लैंक के साथ रीड आउट करके देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा. डू यू नो द, सॉरी, डिड यू ड्रिंक डैश मिल्क? डिड यू ड्रिंक ऑल मिल्क, एनी मिल्क, लिटल मिल्क, अलॉट मिल्क, मच मिल्क, नो मिल्क या सम मिल्क? यस, सम मिल्क. हमने उसका मिल्क का एक आइडिया ले लिया कि डिड यू ड्रिंक सम मिल्क टूडे, तुमने कुछ दूध पिया आज. द सेकेंड वन इज, How dash rice did he eat at lunch? How? इनमें से कौन सा वर्ड यूज होगा राइस का आइडिया लेने के लिए? How much? Much हमने इसके साथ यूज किया. How much idea? How much rice did he eat at lunch? Number three है, She had so dash time to study during the day that that she had to stay up most of the night reading and writing. मतलब उसको डे टाइम में पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम था, इसलिए उसने नाइट टाइम में क्या किया, she had to stay up most of the night reading and writing. उसमें पूरी रात उसने रीडिंग और राइटिंग में गुजार दी. Anyways, हमारे पास टाइम को हमने डिस्क्राइब करना है बेटे, तो टाइम को हमने किस चीज से डिफाइन करेंगे, क्या चीज टाइम को डिफाइन करेगी? ऊपर वर्ड बैंक में से शी हैड सो मच टाइम, हमने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे? मच. शी हैड सो मच टाइम टू स्टडी, उसके पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम था. नंबर फोर्थ वन इज, माई अंकल लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी विद डैश ऑफ शुगर इन इट. कॉफी, शुगर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे इनमें से? कौन सा वर्ड यूज होगा शुगर के साथ? अलॉट. माई अंकल लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी विद अलॉट ऑफ शुगर इन इट. अच्छा, हम इसमें से दूसरे वर्ड जरूरी नहीं है ये अलॉट ही यूज हो. माई अंकल लाइक्स टू ड्रिंक, हाँ ठीक है, अलॉट ही आएगा, सॉरी, अलॉट ऑफ शुगर इन इट. नंबर फिफ्थ वन इज, वुड यू लाइक टू लिसन डैश म्यूजिक? Would you like music को किस तरह से define करेंगे हम? Some के साथ. Would you like to listen some music? Number six is, there is a saying that dash news is a good news. यहाँ पर आप news को किस तरह से define कर रहे हो? No news. There is a saying that no news is a good news. यानी कि कोई news ना होना वो एक अच्छी news है, ठीक है? No आएगा. Number seventh is, the parents were anxious for they had not received dash information regarding their son. Information को किस तरह से define करेंगे? क्योंकि information uncountable noun है, तो हमने उसको information का idea लेने के लिए, कि information किस तरह की है, उसको थोड़ा rough idea लेने के लिए, quantity को show करने के लिए हमने any का word use किया. Parents were very anxious for they had not received any information regarding their son. Any आ जाएगा. Number eighth one is, would you like dash bread with your mutton stew? इसमें क्या आएगा? Some bread. Quantity का आइडिया करने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया इसके साथ? Some. Would you like some bread with your mutton stew? Number ninth one is, dash his luggage was stolen and he had no clothes to wear the next day. उसके कितने क्लॉथ स्टोरी लगेज सॉरी उसका कितना हुआ था चोरी? ऑल हिज लगेज. यहाँ पर ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या यूज होगा? ऑल हिज लगेज. तो हमने लगेज का आइडिया लेने के लिए क्या वर्ड यूज किया? ऑल. नंबर टेंथ वन इज,
through he though sorry it's not through though he is a very rich he refuses to pay dash part of the money he owns me dash part of money ab money ko hum kis tarah se define kar rahe hain little money money ko is an uncountable na aap uska exact count nahi kar sakte to money ko hum किस वर्ड से डिस्क्राइब कर रहे हैं लिटिल मनी यानी कि थोड़ी सी मनी से भी उसने रिफ्यूज कर दिया देने के लिए ओके वेटेड सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर वन नाउ इफ यू हैव एनी क्यूरीज देन लेट मी नो